हाय, मेरा नाम गौरांग, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका मेरे चैनल बिजनेस कंसल्टेंट में स्वागत है। ये वीडियो तो आपके रिलेटेड है किस तरीके से हम लोग जीएसटी की एनुअल रिटर्न इन द केस ऑफ ए नॉर्मल टैक्स पेयर फाइल करते हैं। इससे पहले मैं प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल एस्पेक्ट जीएसटी और नाइन के बारे में डाल चुका हूँ, प्रीवियस वीडियोज में डाल चुका हूँ। तो ये हम लोग फाइनेंशियल ईयर 18-19 की एक ऑनलाइन लाइव विद रिकंसिलिएशन के साथ जो हमारा ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके साथ रिकनसाइल करके हम लोग यहाँ पर ये पूरा वीडियोस आपका रिलेटेड है एनुअल रिटर्न से, जीएसटीआर 9 से फाइनेंशियल ईयर 18-19 की, जिसकी डेट 30 जून 2019 हो गई है। आपकी नॉलेज के लिए बता दूँ, प्रॉपर तरीके से डाटा ऑटो पॉपुलेटेड होकर अब आ गया है। तो आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं आगे। लॉगिन, मैंने लॉगिन करा, मेरे पास डाटा रिकनसाइल है। हम लोग एनुअल रिटर्न पे क्लिक करेंगे। एनुअल रिटर्न पे क्लिक करने के बाद आप जो रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर उसको सिलेक्ट कीजिए 18-19, सर्च प्रिपेयर ऑनलाइन। अब क्वेश्चन आपके पास सामने है, डू यू वांट टू फाइल अ निल रिटर्न? नो, क्योंकि इनकी सेल परचेज दोनों है। नेक्स्ट, ये आप देख सकते हैं आपके पास 19 टेबल आ गई है, सही है ना? तो 19 टेबल में सबसे पहले आपके पास ये आई है टेबल नंबर 4। टेबल नंबर 4 में वो डाटा देना है आपको जो टैक्सेबल है। तो इनका टैक्सेबल डिटेल देख लेते हैं, टैक्सेबल डिटेल कितनी है, सही ना? तो टैक्सेबल डिटेल मेरे पास, मैंने टैक्सेबल जो टर्नओवर है वो मैंने अपना उसका रिकंसिलेशन बनाया हुआ है, हम लोग उससे मैच करते हैं। ये देख सकते हैं टैक्सेबल टर्नओवर हमारा है, क्लियर? इसको मैं टोटल कर लेता हूँ टैक्सेबल टर्नओवर को। ये हमारा जो टर्नओवर था फाइनेंशियल का था, सही है? फाइनेंशियल का टर्नओवर और जीएसटी का टर्नओवर मैच करना चाहिए, जो कि मैच कर रहा है। कुछ डाटा हमारा मैच नहीं था, उसको हमें रिकनसाइल करना पड़ा। कहाँ दिक्कत थी, कहाँ प्रॉब्लम थी, उसको हमें रिकनसाइल करना पड़ा। पहले हमारा टर्नओवर 1,43,50,000 दूसरे कलर, बट फाइनेंशियल में कितना था, 1,43,47,750 थी। तो हमें जो रिकनसाइल करने के बाद डाटा को एक्चुअल निकालने के बाद हमारे पास डाटा इस तरीके से डाटा निकल के आया, जो कि एक्चुअल मैच करता है आपका फाइनेंशियल के टर्नओवर से। अब जहाँ पे मिस्टेक है, काफ़ी जगह मिस्टेक हो चुकी है, तो मिस्टेक कहाँ पर हो चुकी है? अनरजिस्टर्ड पार्टी में डिटेल हमें चेंज करनी पड़ेगी। अनरजिस्टर्ड पार्टी में डिटेल थोड़ी मिस्टेक वहाँ पर हो चुकी है, तो हम लोग उसको चेंज कर लेते हैं, क्लियर? हमें टर्नओवर कितना देना है टोटल, जो टैक्सेबल टर्नओवर है 21,23,831, उसमें से हम लोग माइनस कर देते हैं रजिस्टर्ड वाला 1,26,409.62। ये आपका टर्नओवर आ गया। अब हम लोग टैक्स को और माइनस कर देते हैं। टैक्स हमारा कितना है, टैक्स के लिए भी आप माइनस कर देते हैं हम यहाँ से 84.28। ये आपका टैक्स की अमाउंट आ गई। अब ये वाली आपको अनरजिस्टर्ड वाले कॉलम में दे रही है, आप ये समझ लेना। ए बी सी डी, ये काफ़ी सारे कॉलम है। रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड की डिटेल आपको इस वाले कॉलम में देनी है, रजिस्टर्ड की इस वाले कॉलम में देनी है। जो भी आपने रजिस्टर्ड विद टैक्स करिए, जीरो डेट सप्लाई विद टैक्स अगर आपने डिपॉजिट करी है, जीरो डेट मतलब एक्सपोर्ट, सही है? एस सी जेड को यहाँ पर देना है विद पेमेंट ऑफ टैक्स, डीम्ड एक्सपोर्ट विद पेमेंट ऑफ टैक्स, एडवांस जिस पर टैक्स बनता है आपका, इनवर्स सप्लाई जिस पर आरसीएम जिस पर टैक्स आपको जमा करना है, क्रेडिट डेबिट नोट, ये रिलैक्सेशन हुआ था क्रेडिट डेबिट नोट अमेंडमेंट जितने भी उसी फाइनेंशियल में हुए, फाइनेंशियल 18-19 में, उसको आपको सेपरेट टेबल में दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहोगे तो आप इसमें से एडजस्ट करके, जो रेलिवेंट टेबल है इसी में से एडजस्ट करके दिखा सकते हो, क्लियर है? तो हम लोग यहाँ पर टर्नओवर सही करते हैं 1997,421। ये हम लोगों ने डाल दिया है।
रेड रेड इसलिए आ रहा है, ये रेड रेड ना आपको सर्किल इसलिए दिखाई पड़ रहा है क्योंकि हमने जो अमेंडमेंट कराया वो 20% से ज़्यादा करा हुआ है। अब हम कोई नहीं कर सकते हैं, बट हम इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम लोग बैक में आते हैं। बैक पे आने के बाद ये जो जीरो रेटेड भी है, जीरो रेटेड को भी आपको एक्चुअल डालना पड़ेगा। जीरो रेटेड है आपका जितना, आपको पता ही है कि जो भी एग्जम्प्ट सप्लाई है आप एग्जम्प्टेड वाले कॉलम में डाल सकते हो। एग्जम्प्ट निल रेटेड जहां पर टेबल फाइव में सिर्फ आपकी जो एग्जम्प्टेड मतलब जिस पर टैक्स नहीं जमा करना है वो वाली जितनी सप्लाई है उसकी आपकी उसको आपको यहाँ पर देनी है, ठीक ना। तो जितनी आपकी एग्जम्प्ट सप्लाई है उसकी डिटेल आपको यहाँ पर देनी है। तो हम लोग देखते हैं एग्जम्प्ट कितना है, 11, 22, 39, 54 जल्दी दे दिया। ये हमारे पास ऑप्शन है कि हम एग्जम्प्ट रिलेटेड नॉन जीएसटी को हम एग्जम्प्ट में डाल सकते हैं। इससे रिलेटेड डेबिट नोट क्रेडिट नोट जो इतने भी अमेंडमेंट आपको करने हैं वो अमेंडमेंट आप रेलिवेंट कॉलम में ही एडजस्ट करके दिखा सकते हैं। क्रेडिट नोट डेबिट नोट और अमेंडमेंट के जितने भी एडजस्टमेंट है सेपरेट टेबल में दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो भी आपकी मैंने कहा जो भी आपका जिस पर टैक्स नहीं बनता, जो भी सप्लाई आप पर टैक्स नहीं जमा कराए उसको आपको जहाँ पर दिखानी, जैसे आरसीएम वाली सप्लाई कोई भी आपकी आपने एक्सपोर्ट करा हुआ विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स उसको रिलेटेड एग्जाम नॉन जीएसटी सही ना, उससे रिलेटेड डेबिट क्रेडिट नोट अब इसको आप सेव कर दीजिए। अब ये देख सकते हैं आपका टर्नओवर 1,43,47,785 ये आपके फाइनेंशियल से मैच कर रहा है, 1,43,47,785 क्लियर है, मैच कर रहा है। सेव कर लीजिए इसको। सेव करने के बाद हम लोग बैक करते हैं। बैक करने के बाद आप ये देख सकते हैं टेबल 6 ये आपकी ITC से रिलेटेड डिटेल होती है। ITC जितना आपने क्लेम करा हुआ उसको आपको यहाँ पर दिखाना है। 134,697 बेसिकली इनका इनवर्ड सप्लाई इनका ना तो एक्सपोर्ट वाला है ना ही RCM वाला है और ना ही किसी तरीके का इम्पोर्ट ऑफ गुड्स है, किसी तरीके का इम्पोर्ट ऑफ सर्विस भी नहीं है। सिर्फ इनका ISJ जो नॉर्मल वाला है इसमें भी हमारे पास एक रियायत है, रिलैक्सेशन है कि हम इनपुट कैपिटल गुड्स इनपुट सर्विस में डालकर इनपुट में डाल सकते हैं, क्लियर है। तो हमने इनपुट में क्लेम कर लिया। ये टेबल 6 को ये डाटा जो आपका जो ऑटो पॉपुलेटेड हो गया रहा है ना, ये आपका GST 3B से डाटा ऑटो पॉपुलेटेड हो गया रहा है क्योंकि ये डाटा GST 2 से होना चाहिए ऑटो पॉपुलेटेड, पर कुछ GST 2 पोस्टपोन हो चुकी है इसलिए ये डाटा GST 3B से ऑटो पॉपुलेटेड होकर आता है और ये हमने क्लेम कर लिया है। जितना क्लेम कर लिया उसका बायफर्केशन मांगता है। तो बेसिकली ये वही ITC है जो हमने अपनी परचेज जो रजिस्टर्ड पार्टी से परचेज करी उस पर क्लेम करा हुआ है, ना तो वो RCM वाला है ना ही वो आपका इम्पोर्ट ऑफ गुड्स है, सही है, नॉर्मल वाला है। किसी भी तरीके की कोई 10-1, 10-2 का है नहीं ITC, मतलब प्रीवियस फाइनेंशियल को मतलब प्रीवियस एक्ट का कोई ITC नहीं है। हम लोग उसको सेव कर देते हैं। सेव करते हैं, करने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ITC रिवर्स कुछ नहीं करना है, सही है। अब ये आप देख सकते हैं टेबल 8 में ना डाटा पूरा उठ के नहीं आ रहा है। ये 129,684 ये ना पूरा अब तक का अपडेटेड नहीं आ रहा है। इसमें गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दिए, गवर्नमेंट ने ये कहा है कि आप एक काम करें टेबल 2A और ये जो डाटा ऑटो पॉपुलेट हो इसका रिकंसिलेशन आप PDF के जरिए अटैच करके रिकंसिलेशन स्टेटमेंट मतलब GST 9 के साथ आप सबमिट कर सकते हैं, GST 9C के साथ सबमिट कर सकते हैं PDF एक रिकंसाइल बना के इसका रिकंसिलेशन देके। चूंकि ये डाटा प्रॉपर तो पूरा अपडेटेड तो आ नहीं रहा है। ये डाटा जो हमारा ITC है वो मैं आपको बताऊँ कितना बनता है हमारा ITC तो बुक्स में जो मतलब GST 2A में चढ़ा हुआ अब तक अपडेटेड वो ही बता रहा हूँ आपको। वो चला हुआ है 135,289 और पोर्टल कितना दिखा रहा है 129,684 कम दिखा रहा है नहीं। तो हालांकि हमने कुछ ITC कम क्लेम करा हुआ है तो जो कम क्लेम करा हुआ है उसको हम क्लेम कर लेते हैं, क्लियर। 640 रुपये हमने एक्सटेंडेड पीरियड में क्लेम करा हुआ है 640। एक्सटेंडेड पीरियड में ये वाला क्लेम नहीं कर पाए 640 रुपये ये क्लेम नहीं हुआ है। बाकी ये जो रह गया ऐसी जिस चीज़ को हम क्लेम कर लेते हैं इसको हम मतलब हमने क्लेम किया हुआ है 500। वो ITC है आपका जो आपने कब तक क्लेम किया हुआ है, कौन सी रिटर्न तक, सितंबर 2019 तक जो भी आपका ITC रह गया था पिछले साल का वो आपने क्लेम कर लिया 552 थी 552 वो मैंने क्लेम कर लिया यहाँ पर, ठीक है।
इसका आप जहां पर ना दिखा करके डाटा, ये टेबल एट का, टेबल एट का आप रिकंसिलेशन स्टेटमेंट 9A के साथ, 9C के साथ अटैच करके भी दे सकते हैं। क्लियर, हम लोग सेव करके बैक आ गए थे। अब टेबल 10 11 12 में भी जो आपका एक्सटेंडेड पीरियड वाला ITC था, हालांकि ये रिलैक्सेशन है, आप अगर चाहो तो मत दिखाओ, तो हम ये रिलैक्सेशन वाला दिखा देते हैं। 5 से 5 मिनट, ITC अवेल्ड, मतलब वो ITC जो आपका किससे रिलेटेड है, फाइनेंशियल 18 से रिलेटेड है, उसको आपने सितंबर 2019 तक क्लेम कर लिया है, सितंबर 2019 तक याद रखना है। अब आप ये देख सकते हो GSTR 9, जो आपने यहाँ पे जो लाइबिलिटी दिखाई ना टैक्स की, यही लाइबिलिटी आपके यहाँ पर जो एक, इसमें दो ऑप्शन था, एक पेबल और एक पेड। तो पेबल में आपको जो देना है, जो आपने टेबल 4 में पेबल लिखा हुआ है, 1,39,470। जितना आपका ITC रहता पेमेंट करने को, मतलब जितना पेमेंट आपका रह जाता है, उसको आपको DRC 03 से पेमेंट करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कितना पेमेंट रह जाता है, अभी मैं आपको ना रिकंसिलेशन स्टेटमेंट दिखाता हूँ। ये बेसिकली ये सॉफ्टवेयर है कंप्यूट GST, उसकी हेल्प हम लेते हैं। तो हम लोग ये देखते हैं GST में पेमेंट कितना हुआ है, पेबल हमारा इतना बनता, पेमेंट कितना हुआ है, रिपोर्ट। थोड़ा टाइम मेरा, कोई दिक्कत नहीं है, तब तो हम लोग टेबल के बारे में पढ़ें, टेबल पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो टेबल 6 में आपका जो भी 3B वाला ITC है, उसका बाइफर्केशन देना है, नॉर्मल वाला है, RCM वाला है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, या फिर आपका 10-1, 10-2 वाला है, मतलब प्रीवियस GST से पहले वाला एक्ट वाला है। ITC कौन सा रिवर्स करना है, ITC काफ़ी तरीके से रिवर्स हो सकते हैं, हालांकि रिलैक्सेशन मिली हुई है जो A से लेके E तक है, उसको आपको एच में दिखा सकते हो, इसको आपको बाइफर्केट करने की जरूरत नहीं, ये रिलैक्सेशन है, फाइनेंशियल 17-18-18 इसके लिए भी मिली हुई है। 10-1, 10-2 को बस आपको रिवर्स अलग करना है। ठीक है, तो हालांकि कोई रिवर्सल है नहीं, तो इसको हम तोड़ देते हैं, देखिए खुला, हाँ तो ये खुल गया है हमारा, GST रिकंसिलेशन है। इसमें पता लगेगा आपका कितना आपका पेमेंट हो चुका है, हमारा पेमेंट हमें कितना करना है, 1,39,470 रुपये भाई, 1,39,470 का पेमेंट करना है, पेमेंट हो जाना चाहिए, पेमेंट हो कितना गया, खुल रहा है, 2 मिनट लगेगा। एक उनतालीस एक सौ बावन 318 आपको पेमेंट करना है DRC 03 से। क्या हम पेमेंट करेंगे DRC 03 से, तो हम लोगों ने यहाँ पे पूरा दिखा दिया, पेमेंट इतना बनना था, 1,39,470 सेव करके बैक कर लेते हैं। एक्सटेंडेड पीरियड में डाल दिया हमने, कोई भी ये जो 10-11 है ना, 10-11 कोई भी आपका बेसिकली ना, ये GST 3B के पॉइंट ऑफ व्यू से मांग, GST 3B के पॉइंट ऑफ व्यू से मांगना है आपको, GST 3B के पॉइंट ऑफ व्यू से जो टैक्स का पेमेंट है, कैसे कोई भी सप्लाई जो फाइनेंशियल 18-19 की थी, बट आपने एक्सटेंडेड पीरियड दिखाया, एक्सटेंडेड पीरियड कब तक का है, सितंबर 2019 तक का, कि 3B में दिखाया हुआ है आपने, पेमेंट करा हुआ है टैक्सेबल वैल्यू, तो आपको यहाँ पर उसको डिटेल देनी है यहाँ पर, ठीक है, उसकी डिटेल यहाँ पर देनी है, जो आपने ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल 18-19 के लिए, बस आपने सितंबर 2019 से दिखाया, अप्रैल के बाद, अप्रैल 2000 मतलब 31 मार्च 2019 के बाद, तो आपको यहाँ पर देनी, यदि टर्नओवर या टैक्स बढ़ के दिखाया है तो आपको टेबल 10 दिन देना है, यदि टर्नओवर या टैक्स घटाके दिखाया है तो आपको टेबल 11 देना है। यहाँ आपको ITC रिवर्सल देना है, एक्सटेंडेड पीरियड जो आपने ITC एक्सटेंडेड पीरियड की मैं बात करूँ तो बात वही है, फाइनेंशियल 18-19 का ट्रांजेक्शन आपको सितंबर 2019 तक लेना है। क्लियर, टेबल
11-12 के अकॉर्डिंग अगर आपको कोई टैक्स पेबल बनता है तो यहाँ पर लिखना है आपको, हालांकि कोई टैक्स पेबल नहीं बन रहा है। टेबल 15, 16, 17, 18 हमारी क्या है, रिलैक्सेशन है, मैंडेटरी नहीं है। हालांकि ना 15 से रिलेटेड डिटेल है, ना 16 से रिलेटेड डिटेल है, ना HSN वाइज डाटा हम लोग देंगे नहीं, आउटपुट सप्लाई का, इनपुट सप्लाई का, ये इसका भी रिलैक्सेशन मिला हुआ है। अब हम लोग क्लिक करते हैं कंप्यूट लाइबिलिटीज पे। कंप्यूट लाइबिलिटीज पे आपको उसके बाद जब डाटा आपका पूरा भर जाता है, आप कंप्यूट लाइबिलिटीज पे क्लिक करिए, रिफ्रेश कीजिए। रिफ्रेश करने के बाद प्रोसेस टू फाइल, प्रोसेस टू फाइल पे क्लिक करने के बाद आपको पहले ना जो प्रीव्यू ड्राफ्ट है पहले इसको डाउनलोड करना है। इसको डाउनलोड कर लो पहले, ठीक है, चेक भी कर लो डाटा वाटा सब तैयार आया नहीं आया, ये है वो है। फिर आप इसको वेरीफाई करना है, ऑथराइज इन्वेंटरी को सिलेक्ट करो, फाइल GSTR9 यस। अब आपके पास दो ऑप्शन है, विजिट DST विद EBC, तो विद हम लोग EBC पे क्लिक कर लेते हैं। EBC मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड, वहाँ पे OTP आएगा जो आप जो भी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रजिस्टर्ड होगी GST की साइट्स पे। तो हम लोग देखते हैं कहाँ पहुँचा ये, हाँ तो OTP आ चुका है, OTP को करो सिलेक्ट और डालो पर कर दो वैलिडेट। आपकी इस तरीके से एनुअल रिटर्न भर जाती है, क्लियर। अब मैंने आपको बताया था एक DRC जरूर ही बनना था 318 रुपये का, हालांकि 318 रुपये का जो पेमेंट बनना है एडिशनल लाइबिलिटीज की वजह से वो आपको सेटअप फॉर कैश लेजर से ही करना है, क्योंकि आप DRC 03 का पेमेंट जो एडिशनल लाइबिलिटीज की वजह से बनाए उसका पेमेंट DRC 03 से करना है। पहले हम लोग चेक कर लेते हैं, क्या चेक कर लेते हैं कि भैया पैसा है भी या ना है। 318 मतलब करीब करीब 636 रुपये पड़े हुए हैं, नहीं पड़े हुए हैं। तो भैया कैश का बैलेंस 0 है, जब कैश का बैलेंस होगा तो हम इसको पहले जमा करवाएंगे फिर पेमेंट करेंगे इसको, क्लियर है। DRC 03 से, DRC 03 कहाँ मिलेगी उसकी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे कि सबसे पहले आपके पास वीडियोस पहुंच सके GST से रिलेटेड, इनकम टैक्स से रिलेटेड एंड फाइनेंशियल नॉलेज। ओके बाय।